ऊपर एनालिसिस करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको सिल्वर में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे M6 मार्केट के ऊपर एनालिसिस करूंगा, उसके बाद यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट करें, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की, और डेली बेस के ऊपर आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो आज फ्लैट ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। फ्लैट ट्रेडिंग की वजह यहाँ पे दो वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी दिन बाद यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिला था, और बाइंग के बाद एक साइडवे जोन में आपको यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब एक रैली चलने के बाद थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, रेस्ट करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत गिरावट आती है लेकिन अगेन आपको रिकवरी होते हुए भी देखने को मिल रहा है। रही बात क्या हम इस लेवल पे फ्रेश सेल की पोजीशन बना सकते क्या, क्योंकि बॉटम से देखोगे तो लगभग 68 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज के डेट में देखोगे तो 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगभग 8000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिल रही है, तो क्या हम इस लेवल पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं क्या? और जो ऑलरेडी यहाँ पे बाइक के ऊपर बैठे होंगे और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी सेल करके बैठे हों उनको अच्छा खासा लॉस हो रहा है वो कहाँ पे एवरेज कर सकते हैं? कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन ध्यान में रखना बहुत लोग कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन कॉपी ट्रेडिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर आप ट्रेड करते हो, सभी को ट्रेड करते समय यहाँ पे प्रॉफिट ट्रेड नहीं मिलते, बहुत लोग शेयर मार्केट से लॉसेस भी करते, तो आप शेयर मार्केट से लॉस करके हताश हो चुके हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कॉमिक्स एनालिसिस करके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कॉपी ट्रेडिंग में, जैसे ही सर्च करोगे तो आपको ये कॉपी ट्रेडिंग मिल जाएगा। इंडियन एवरेज यहाँ पे डेली 2 से 3% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको इंटरेस्ट है तो आप कॉपी ट्रेडिंग के साथ भी जुड़ सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप लाइव मार्केट में आप खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बात करूंगा अभी यहाँ पे लाइव मार्केट में देखोगे तो अभी 200 पॉइंट की यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। बात करूंगा यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो सबसे टॉप का रेजिस्टेंस निकल के रहा है 78,000 के आसपास, और यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे 75,000 के आसपास। लास्ट वाले वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि इस रेंज के अंदर आपको कुछ भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में और यहाँ पे एक क्या बनता है, एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास जाएगा तो आपको सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 78,000 के ऊपर ये 78 के ऊपर ये सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो 82,000 तक भी टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना इस लेवल में आपने बाई की पोजीशन बनाई होगी तो 75 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू बाई के ऊपर बने रहिए। आने वाले दिनों में 82,000 तक भी टारगेट आपको सिल्वर में देखने को मिलेगा, लेकिन 82,000 का एक दिन में मिलेगा क्या? नहीं। जिस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए पूरा एक महीना लग गया 8000 पॉइंट की रैली चलने के लिए, तो कम से कम यहाँ पे अगेन यहाँ पे 4 से 6000 की रैली चलना चाह रहा है मार्केट, तो कम से कम एक महीना और लग सकता है। तो टाइम वैल्यू के साथ प्राइस का भी प्रेडिक्शन करते हैं यहाँ पे, तो आने वाले दिनों में आप यहाँ पे बाई के ऊपर बने हो तो 75,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक टारगेट आप बुक कर सकते हो यहाँ पे 78 पे, और 78 के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 82 तक के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हो। बहुत लोगों का क्वायरी है कि सर इस लेवल पे हम सेल की पोजीशन नहीं बना सकते क्या? सेल की पोजीशन आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो 75,000 के नीचे। ध्यान में रखना 75 के नीचे ये जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक आप फ्रेश सेल की पोजीशन मत बनाइए। इन द केस आप सेल की पोजीशन ट्रिगर होती है 75,000 वो आता है और ट्रिगर भी हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 78,000 का क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगा देना है। तो 3,000 पॉइंट का क्या रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और आपके लिए जो टारगेट रहेंगे वो कहाँ तक रहेंगे, 72,000 तक टारगेट रहेंगे। तो 1:1 रेशियो को फॉलो करते हुए यहाँ पे होल्डिंग बेस यहाँ पे टारगेट रहेगा, 75,000 के नीचे ही सेल की पोजीशन बनाना है और आपको टारगेट लगाना है 72,000 का, और स्टॉप लॉस आपको ऊपर 78,000 का स्टॉप लॉस के साथ आपको फ्रेश सेल की पोजीशन बना सकते हो। इन द केस मार्केट 75,000 आता ही नहीं और मार्केट ऊपर की तरफ 82,000 जब जाएगा तभी आपको फ्रेश सेल की पोजीशन बना सकते हो, और जब 82,000 मार्केट जाएगा तो वो जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पे कम से कम 76,000 से 78,000 तक के लिए टारगेट के लिए आप सेल साइड पोजीशन होल्ड कर सकते हो। तो ये रहेगा फ्रेश जो सेल करना चाहता है उसके लिए। अभी जो ऑलरेडी सेल पे बैठे हैं और उनको अच्छा खासा लॉस हो रहा है, काफ़ी लोग सेल करके पोजीशन बैठे होंगे क्योंकि सबको पता है कि दिवाली तक यहाँ पे सिल्वर डाउन रहता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया इस बार।
दिवाली के पहले पहले ही रैली स्टार्ट हुआ, तो हो सके आपका यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल की पोजीशन बनाई होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस जोन के अंदर कुछ भी मत करिए। क्यों कुछ मत करिए? क्योंकि हो सके मार्केट एक नया हाई बनाए या इस लेवल से ही मार्केट नीचे आ जाए, तो 75,000 के नीचे जब सस्टेन करेगा तब आप सेल की पोजीशन ऐड कर सकते हो, या नया ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाता है 82,000 तक, तब आप सेल की पोजीशन ऐड कर सकते हो। तब तक मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कर लीजिए, और आपके पास नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में आप जब भी बाइंग करोगे तो नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करना है, और नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी बाई नहीं करना चाहते हो तो आप डॉलर में भी बाई कर सकते हो सिल्वर। डॉलर बाई करने के लिए आपके पास जो कोड है वो XAGUSD, इस नाम से आप सर्च करोगे तो आपको ये ऑक्टाफिक्स में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, और विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल 1,000 रुपये से आप डॉलर में ट्रेड कर सकते हो। तो ये एनालिसिस रहेगा यहाँ पे सिल्वर के ऊपर। बात करेंगे अभी डॉलर इंडेक्स में। काफ़ी लोग डॉलर इंडेक्स में भी ट्रेड करते हैं सिल्वर में, तो डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे देखोगे तो अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ। काफ़ी दिन से यहाँ पे भी हमने यहाँ पे सिल्वर डॉलर का एनालिसिस नहीं किया। डॉलर की बात करूँगा तो अभी लाइव मार्केट में 25.10 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी लागू होता है। देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपसाइड का रेजिस्टेंस देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे 26.10, और सपोर्ट की बात करेंगे यहाँ तो 24.50। इस लेवल के बीच में काफ़ी दिन से अभी ट्रेड होते हुए देखने को मिला। पिछले बार भी इस जोन के बाद ट्रेड करने के बाद गिरावट देखने को मिली, तो इस जोन में मेरे हिसाब से आप डॉलर में ट्रेड करते हो तो इंट्राडे पर्पस से आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये जो जोन है ये कन्फ्यूजन जोन है, थोड़ा ऊपर भी आएगा नीचे भी जाएगा, तो इस तरीके से आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। जो फ्रेश सेल करना चाहते हैं वो 24.50 के नीचे ही सेल की पोजीशन बना सकते हो, और अपसाइड का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 26, और डाउनसाइड का जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 22.50 का क्या रहेगा टारगेट रहेगा। जो ऑलरेडी सेल पे बैठे हैं वो यहाँ पे $26 के आसपास एक सेल की पोजीशन ऐड कर सकते हो। अभी तक ऐड नहीं करना है क्योंकि इस लेवल में सेल नहीं बनता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस जोन में ब्रेकआउट भी मिल सकता है या एक ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर और एक अपडेट दूंगा कि कहाँ पे और ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है, लेकिन ध्यान में रखना इसका अपडेट मैं लाइव अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेजता रहता हूँ, तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इन द केस मैं वीडियो में आपको बताता हूँ और मार्केट का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता है तो मैं वहाँ पर अपडेट भी भेजता हूँ। बात करूंगा अभी जो फ्रेश सेल करना, अभी जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो कहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो इस लेवल पे बाय की पोजीशन नहीं बनती, क्योंकि एक डीप आने दीजिए, 22.50 का डीप आने दीजिए, तब आप बाय की पोजीशन प्रेफर कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पे आपको सिल्वर के ऊपर बताने की कोशिश किया। फर्स्ट टाइम विजिट